चंद्रयान 3 को चांद पर उतरे 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों ने अपने अपने काम करना शुरू कर दिए हैं। लैंडर से निकलकर रोवर चांद पर चहलकदमी कर नई नई जानकारियां जुटा रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी चांद की कक्षा में चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम का स्वागत कर रहा है। दोनों में संपर्क स्थापित हो चुका है और उनकी भी गुफ्तगू भी चल रही है। इधर इसरो लगातार चांद पर मूवमेंट की जानकारी दे रहा है। अब इसरो ने एक और अच्छी खबर दी है। इसरो ने अपने ट्वीट में लिखा, सभी सुनियोजित रोवर गतिविधियों का सत्यापन कर लिया गया है। रोवर ने लगभग 8 मीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय कर ली है। रोवर के पेलोड्स LIBS और APXS चालू हो गए हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर के सभी पेलोड्स सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। इसके कुछ घंटे पहले इसरो ने एक और ट्वीट किया। इसमें सोलर पैनल के एक्टिवेट होने की जानकारी दी गई है। सोलर पैनल की मदद से रोवर को ऊर्जा मिल रही है। इस ट्वीट के साथ इसरो ने रोवर प्रज्ञान के लैंडर विक्रम से बाहर निकलने के दौरान उससे जुड़े सोलर पैनल को लेकर एक शानदार वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में इसरो ने दिखाया है कि कैसे कैसे सोलर पैनल के जरिए रोवर प्रज्ञान को एनर्जी मिल रही है। ये वीडियो लैंडर के इमेजर कैमरे ने बनाया है। वीडियो में बताया गया है कि रोवर के उतरने से पहले रैंप और सोलर पैनल की तेजी से तैनाती कैसे। इस वीडियो में दिख रहा है कि रोवर के निकलने के लिए किस तरह लैंडर का रैंप खुलता है। इससे पहले इसरो ने एक और ट्वीट जारी किया। उस वीडियो में रोवर को लैंडर से बाहर निकलते और चंद्रमा की सतह पर चलते दिखाया गया था। इसरो ने ट्वीट के साथ लिखा, और चंद्रयान 3 का रोवर लैंडर से निकलकर इस तरह चंद्रमा की सतह पर चला। 30 सेकंड के इस वीडियो में दिखाया गया है कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान इस तरह विक्रम लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर उतरा है। इस वीडियो में चांद की सतह पर भारत के निशान को साफ देखा जा सकता है। लैंडर का गेट खुलते ही रोवर धीरे धीरे रैंप से नीचे उतरता है। जैसे ही रोवर नीचे उतरता है, दूसरी ओर उसकी परछाई बनने लगती है। दरअसल अभी जहां लैंडर उतरा है वहां अगले 12 दिन तक सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी। प्रज्ञान की ये परछाई उसी रोशनी की वजह से है। इस वीडियो में एक और गौर करने वाली चीज है, रोवर जिस जगह उतरा वो समतल जगह थी, लेकिन रास्ते में एक छोटा गड्ढा था। प्रज्ञान में लगे सेंसर ने जैसे ही गड्ढा देखा तुरंत अपना रास्ता बदल दिया और फिर चांद पर चहलकदमी करने लगा। गुरुवार को यानी चंद्रयान 3 के लैंडिंग के अगले दिन इसरो ने एक और वीडियो जारी किया था। 2 मिनट 17 सेकंड का ये वीडियो लैंडर के टचडाउन यानी चांद की सतह पर उतरने से ठीक पहले का है। लैंडर इमेजर कैमरे से शूट इस वीडियो में चांद का खूबसूरत नजारा दिख रहा है। शुरुआत में चांद की सतह पर लहरों जैसा नजारा दिखा, लेकिन आगे बढ़ने पर वहां गड्ढे दिख रहे हैं। ये वीडियो आखिरी 50 मीटर की लैंडिंग का था। आपको बता दें कि चांद पर लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे बाद ही रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आ गया था। अब अगले 14 दिन तक प्रज्ञान चांद की सतह पर नई नई जानकारियां जुटाएगा। इस काम में लैंडर विक्रम उसकी मदद करेगा। 23 अगस्त की शाम चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया था। चांद पर भारत से पहले अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश पहुंच चुके थे, लेकिन भारत का चंद्रयान चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन। We'll be right back.